अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोहो कलम इंटरनेशनल। अबू धाबी से एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या जी, प्रेसिडेंशियल पैलेस कसरुल वतन। इसका ये जो मेन डोम आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम है। और एक एक चीज़ से क्या कहते हैं आप इसको, फन तामीर का शाहकार है ये। इसका टाइल वर्क देखें, ग्राउंड वर्क इसका देखें, इसका वॉल वर्क देखें, हर चीज़ में नफासत और इमारत तो झलक रही है, पैसा तो झलक रहा ही है, लेकिन क्या खूबसूरत काम किया गया है इस पैलेस में कि अगर आप फन तामीर से लगाव रखते हैं तो, और आपको आप यहाँ तक आ सकते हैं तो ये फन तामीर का शाहकार है जी। पिलर्स देखें इसके, और ये छोटे छोटे जो है ना, वो जो पत्थर हैं उनको कर जोड़ के बड़ी नफासत के साथ ये काम किया गया है यहाँ पे। दरवाज़े देखें इसके, ये अंदरूनी दरवाज़े हैं। जो बैरूनी दरवाज़ा था वो मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया, मैं अंदर आ गया था, बाद में मुझे ख्याल आया कि उसको भी कैप्चर करना था। वो भी अपने अंदर एक ज़बरदस्त हुसन रखता है वो भी। ये द मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये मैं बाहर से भी आपको दिखाता हूँ। ये पैलेस की राहदारियां देखें जी, असल में मोबाइल का कैमरा इसका जो असल हुसन है उसको दिखाने से कासिर है। जो आपकी आंख जो हुसन देख सकती है, उसको महसूस कर सकती है, वो शायद मोबाइल का कैमरा नहीं कर पा रहा। और ये नाइंसाफ़ी है हकीकत में इस पैलेस के साथ, इस मोबाइल से वीडियो बनाना, लेकिन अभी दस्तयाब वसाइल में जो चीज़ है उसी को ही मैं इस्तेमाल करूँगा। ये देखें कैसा खूबसूरत काम हुआ है इसके ऊपर। फानूस देखें इसके, और डोम देखें, मैं आपको पैलेस की जो मजलिस बनी यास है वो दिखाता हूँ। ये है जी मजलिस बनी यास, यहाँ पे तमाम अरकान के बैठने की जगह है। और सामने जो नशस्तें आपको दिखाई दे रही हैं वो अबू धाबी के रूलर्स, जो पूरे यूएई के प्रेसिडेंट हैं, हिजाइन शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और जो बाकी दीगर अरकान हैं उनकी नशस्तें हैं। कारपेट देखें कैसा शानदार कारपेट है, सुभान अल्लाह। दरवाज़ों के हैंडल्स देखें कैसे खूबसूरत, और प
पर्दों की तरतीब देखें, उसके बाद कारपेट्स की जो डिज़ाइनिंग है ये देखें, और फिर छत के ऊपर जो काम हुआ हुआ है। अल्फाज नहीं है, फन तामीर में जो है ना, इसके लिए क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल करूँ, मुझे जो भी लफ्ज़ सोचता हूँ कम लगता है। और एक बात कि मैं मतलब ये वीडियो बनाने या दिखाने का मकसद कुछ अमीर होने की तरफ कोई ख्वाहिशात दिल में बसाने के लिए नहीं, ये मतलब एक कोई भी आर्ट वर्क जिस तरह आप होते हैं आप उसको सराहते हैं, तो बस यही है, इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। तो सिर्फ बस आपके आपको एक नई चीज़ दिखाना मकसूद थी, तो बाकी कोई हिरस नहीं है इन चीज़ों की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैन हॉल का एक जाविया ये भी है, इस तरफ से भी आप देखें। अभी मैं आपको इस पैलेस की कुछ और जो हॉल्स हैं जो मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ होते हैं वो दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है, तो ये माइंड में रखें कि ये रेजिडेंस नहीं है यहाँ के रूलर की, ये ऑफिस ऑफिस है यहाँ के जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनका, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल मीटिंग रूम, तो ये यूएई गवर्नमेंट की, यूएई जो गवर्नमेंट है उनका ऑफिशियल मीटिंग रूम है। और इसका छत का काम देखें, इसके कारपेट्स देखें, और लैंप देखें कैसे खूबसूरत हैं। और फिर इस वक्त तरफ वॉल के ऊपर जो काम हुआ हुआ है, और ये देखिए दरवाजे के ऊपर कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। सतून देखें इसके, इस सामने एक आपको एक नज़र आ रही एक चीज़ जिस गोल्डन कलर की, ये असल में मैं आपको बस जल्दी जल्दी इसको कैप्चर करके इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये बेसिकली आर्ट वर्क है, और ये कोट है हिजाज़ शेख जायद बिन सुल्तान नयान का, कि वेल्थ इज़ नॉट मनी एंड ऑयल, आगे क्या, वेल्थ लाइज इन पीपल एंड इट इज़ वर्थलेस, इट नॉट डेडिकेटेड टू सर्व द पीपल। यहाँ से आपको इसका वो क्लियर दिखाई देगा। तरफ दूसरे हॉल हैं, और इस तरफ है जी लाइब्रेरी, तो चलते हैं, अगर लाइब्रेरी भी खुली है तो फिर लाइब्रेरी भी देखते हैं। लॉक देखें कितने खूबसूरत हैं। देखिए जी, अब हम इंटर हो रहे हैं कसल वतन की लाइब्रेरी में, तो ये आ गई जी कसरुल वतन की लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी की एंट्रेंस के, अभी जो एंट्रेंस है ये लाइब्रेरी की, वो एरिया है। ये देखिए जी, इसको भी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लिफ्ट के डोर देखें कैसे शानदार बनाए हैं। इस दीवार को देखें, हर चीज़, हर दीवार अपने अंदर एक शाहकार है। इस दीवार को देखें कितना शानदार काम हुआ।
इस वीडियो में आपको लफ्ज़ शानदार बार बार नज़र आएगा, सुनने को दिखाई सुनने में आएगा शानदार, क्योंकि ये वाकई शानदार है। ये सिर्फ पैलेस का एक हिस्सा है जिसको टूरिस्ट के लिए खोला गया है, बाकी जो पैलेस का बाकी हिस्सा है वो भी काफ़ी बड़ा है, उसको अभी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं किया गया। तो इसके वॉशरूम है, वॉशरूम के इंडिकेशन के लिए देखें जैस कैसी प्लेट यूज़ की गई है। वॉशरूम दिखाते हैं, ये जी इसका हैंड वॉशिंग एरिया है, और इसमें देखें क्या खूबसूरत काम हुआ है। ये दीवारों का काम देखें, और वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी जी, तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे क्लोज। मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, किसी नई जगह, नई वीडियो के साथ किसी नई जगह पे इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।